फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। वैष्णव समाज चतुर संप्रदाय विकास समिति की तरफ से राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। इस पूरे कार्यक्रम को देखने से पहले आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें और लाइक जरूर करें ताकि वीडियो की रीच बहुत सारे लोगों तक हो सके। साथियों, जैसे जैसे पूरे देश और समाज में कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्थाओं में कमी आ रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, लेकिन इसी बीच के अंदर जब सारे के सारे समाज मिलके सामूहिक विवाह की तरफ आकर्षित हुए हैं तो शादियों में होने वाले करोड़ों रुपए अरबों रुपए का खर्चा कम होने लगा है। इसी विचारधारा के चलते विकास समिति के अध्यक्ष आर के वैष्णव और विवाह समिति के अध्यक्ष अशोक जी स्वामी ने ये बीड़ा उठाया और जब उन्होंने विचार किया कि हमें, उन्होंने पहले भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया था, उसकी अपार सफलता हुई, फिर से समाज के लोगों की डिमांड होने लगी कि साहब सामूहिक विवाह वापस कीजिए, तो दोनों साथियों अशोक जी स्वामी और आर के वैष्णव ने मिलकर फिर से इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 30 मई 2023 को जयपुर के अंदर 26 लड़के लड़कियों का सामूहिक विवाह आयोजित किया। समाज के अंदर भामाशाह तो इतने अच्छे हैं कि केवल एक बार कहने की आवश्यकता है। किसी ने वहाँ राशन सामग्री दी, किसी ने जेवर दिए, किसी ने पलंग दिए, किसी ने LED दी और देखते ही देखते कण कण करके मन हो गया। और उस मन होने के बाद में और भी जिलों से आने वाले सामाजिक बंधुओं को प्रेरणा मिली कि हम भी हमारे इलाके के अंदर सामूहिक विवाह का आयोजन करें। और इसी सामूहिक विवाह के चलते कई लोगों को बहुत रिलैक्स हो गया। हालांकि इसके अंदर वर पक्ष से 21,000 रुपये लिए गए थे लेकिन वधु पक्ष से कुछ भी नहीं लिया, ताकि कोई भी पिता ये नहीं समझे कि उसकी बेटी के विवाह में होने वाले खर्च वह कहाँ से लाएगा। सारा का सारा खर्च विकास समिति और उसके भामाशाहों ने, विवाह समिति के लोगों ने सारा खर्च वहन किया। अच्छे स्वादिष्ट मिष्ठान परोसे गए जितने भी आने वाले थे, मतलब केवल वर वधु पक्ष के ही नहीं, बाकी भी जयपुर समाज के जितने भी लोग थे, बाहर के जिलों से आए, अलवर से लोग बाग पधारे, इन तमाम लोगों के साथ में बैठ के बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया। और आने वाले नेतागण, कांग्रेस से भी कुछ नेता आए, भाजपा से भी कुछ नेता आए, इन सभी नेताओं का सम्मान भी किया गया और उनको बताया गया कि वैष्णव समाज भी अब जागरूक है। जिस तरह से हमारे देश के अंदर कई लोगों को ये बोलना है कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी समाज के अंदर ऐसे कई समाज सेवक हैं जो गरीबों को ये एहसास नहीं होने देना चाहते कि किस तरह से उनके घर में शादी विवाह होंगे, कैसे जीवन जुटा होगा। कितना भी बड़ा खर्चा हो वो समाज के सारे लोग मिलकर इकट्ठा कर लेते हैं और इसके लिए प्रेरणा देते हैं समाज के कुछ लीडर्स। ऐसे ही वैष्णव समाज के एक लीडर अशोक जी स्वामी हमारे साथ में है जिन्होंने आज निःशुल्क विवाह समारोह का आयोजन किया है। अशोक जी, आपको इस तरह की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? बोल विष्णु भगवान की। देखो, ये मैं लगभग पिछले 30 साल से इस समाज की सेवा के अंदर हूँ। ये प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता ने दी, क्यों कि हमने हर तरह का समय देखा, उस समय के अनुसार आगे बढ़े और आज भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, ये समाज का ही आशीर्वाद रहा। लेकिन मुझे पुरानी बात आज भी याद है, उसको देखते हुए वैष्णव विकास समिति ने मुझे दायित्व दिया कि अपन को विवाह सम्मेलन करना है और उसका बीड़ा उठाते हुए हमने लगभग 1.5-2 महीने से कार्रवाई करी और उसके तहत हमें सफलता मिली। और आज इस सम्मेलन के अंदर जयपुर नहीं बल्कि जयपुर के साथ में टोंक है, सीकर से भी हैं, अजमेर से भी हैं, करौली भरतपुर के जोड़े यहाँ आए और 13 जोड़े 100वें सम्मेलन आए। हमने केवल वर पक्ष से पैसे लिए सहयोग के रूप में, लेकिन वधु पक्ष को, जो एक पिता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मेरी बिटिया कैसे आगे जाएगी, क्या होगा, हमने निःशुल्क रूप से उसका काम किया, एक रुपया नहीं लिया और पूरा जितना हमारे से बन पाए वो सामान भी घर बसाने का दिया। मतलब कन्या पक्ष जहाँ ये परेशान रहते हैं कि घर में बेटी पैदा हो गई तो किसी को बोझ नहीं लगे, तो समाज सेवक इस तरह से आ गया है कि भाई आपकी बच्ची की शादी भी करनी है तो आपको किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है, आपके मेहमान ले आओ, यहाँ जीवन जूठन भी होगा, लड़की आराम से विदा भी होगी, उसको दहेज भी देंगे। और इस तरह में आपको क्या लगता है समाज में सभी लोग किस तरह से सहयोग करते हैं और कैसे आपको आप आगे का क्या प्लानिंग है?
देखिए साहब, इस विवाह सम्मेलन के अंदर मैंने और आरके जी ने केवल समय खर्च किया, धन का तो बाद देखें क्या होगा, लेकिन जो समाज के भामाशाह रहे, जो समाज को चाहते और मुझसे हमसे प्रेम करते हैं, सबने दिल खोल करके हमारे को दिया। जिसकी जैसी श्रद्धा रही, किसी ने सामान दिया, किसी ने हमें आटा दिया, खाने में चीनी दी, और किसी ने हमारे को पेट्रोल के सामान भी दिया, और सब साथ लगे। यही परिणाम रहा कि आज यहाँ इस जन समुदाय के साथ में वैष्णव ब्राह्मण स्वामी समाज की ओर से यहाँ लगभग 8 से 10 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए, उन्होंने मुझे प्रेम दिया। इसके लिए मैं पूरे समाज को, सभी की ओर से आपके माध्यम से हाथ जोड़ के नमन वंदन, साधुवाद, धन्यवाद करता हूँ। अभी आप इस बारे में और आगे क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, इसके बीच में बताना चाहूँगा, अपने समाज बंधु ने, वैष्णव ब्राह्मण स्वामी समाज के बंधु ने आज यह मेडिकल कैंप भी लगाया। मौसम का कोई पता नहीं, गर्मी का समय है, इसको देखते हुए हमने यहाँ व्यवस्था करी। उस बच्चे को साधुवाद करूँगा मैं, जो डॉक्टर्स को मेट्रो मास हॉस्पिटल से ला कर के यहाँ सेवा करी है। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे जरूर होते रहना चाहिए, जिससे समाज एकजुटता के अंदर आए। और आगे हमारे जैसे रामोतार जासपुर जी कहते हैं कि ये तो कार्यक्रम होने चाहिए, इसके साथ में एक समाज के अंदर ऐसा संदेश जाए कि समाज के लोग एक जगह 2-3 दिन के लिए एक जगह इकट्ठे हो, अच्छी जगह इकट्ठे हो, और समाज के लिए नई नई खोज पैदा करें, और जो कुरीति हमने सोच रखी है, एक लोग वाक बताते हैं, उनको दूर करने का हम कार्य करें, और हमारे समाज को किस तरह से हम एक मंच पर लाके खड़ा करने का काम करें, वो काम हमारे रामोतार जी हमारे साथ करेंगे। रामोतार जी स्वामी सीकर से ही पधारे हुए हैं और वहाँ हासपुर के निवासी। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? ये सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज के उत्थान के लिए बनाया जाता है, और ये इसमें समाज की जो समरसता बनती है, समाज की जो एकता बनती है, समाज का जो आर्थिक विकास होता है, वो सामूहिक विवाह सम्मेलन में होता है। और सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए जिन भामाशाहों ने आज सहयोग दिया, उनका तो हम आभारी रहेंगे, हमारा समाज पूरा। साथ ही अशोक जी हैं, आरके जी हैं, सिंबू जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, इन्होंने जो सहयोग किया और जो एकता के लिए जो सूत्र बंधन बांधा है, आज ये ऐसा सूत्र बंधन आगे बंधा रहे, इसका हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और मैं तो सीकर जिले की ओर से इन सभी भामाशाहों को और समाज के कर्णधारों को तहे दिल से आज आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने ऐसा कार्यक्रम करके समाज में एक नई दिशा देने की कोशिश की, और वो आगे निरंतर बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। वैष्णव चतुर संप्रदाय विकास समिति जयपुर जिला के सम्मेलन के अध्यक्ष अशोक स्वामी, विकास समिति के अध्यक्ष आर के वैष्णव, शंभुदयाल जी, ओम प्रकाश जी राजू, वीकेआई के कृष्ण मुरारी जी शर्मा, सम्मेलन के सचिव दुर्गालाल जी वैष्णव, सम्मेलन कोषाध्यक्ष अर्जुन वैष्णव, महासचिव गोविंद वैष्णव, कोषाध्यक्ष कल्याण वैष्णव और पप्पूलाल वैष्णव उपाध्यक्ष ने भी कई लोगों को इस नाते प्रेरित किया कि किस तरह सामूहिक विवाह सम्मेलन बहुत अच्छे से निपटे, और अगली बार फिर से इससे भी बड़ा आयोजन करने का प्रण लेने के साथ में ही शाम को इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का समापन हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम।